हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगता है तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक दे दें। वैसे ये वीडियो है इंडिया पाकिस्तान कुछ तो है। हाँ जी, ये वीडियो है विच कंट्री इज रिच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जानते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा रिच है, उनके अकॉर्डिंग क्या है बात। वैसे हमें तो पता ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्र अहमद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी अवाम का इस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हम पाकिस्तानी अवाम से आज ये सवाल करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो ज़्यादा रिच है, पाकिस्तान रिच है या इंडिया रिच है। और जो भी वो जवाब देंगे हम उससे उनकी रीजंस भी पूछेंगे। तो चले अवाम की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो किस कंट्री को रिच करार देती है, किस कंट्री, कौन सी कंट्री लगता है उनको कि वो रिच है, और उनसे वजह भी जानते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। अच्छा नीलम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रिच है या इंडिया? रिच तो ये है कि ज़रा इंडिया बहुत एक बहुत बड़े लेवल पे एक कंट्री है, उसके 70 से अबव ही सूबे होंगे प्रोविंस, तो वो रिच तो है। फिल्म इंडस्ट्री पूरी वहाँ है, मुंबई जो इंडस्ट्री है, तो रिच तो है। और दूसरा ये कि वहाँ पर यह है कि दूसरा महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस लिहाज से भी ये कि वहाँ पर जो भी लोग कारोबार करते हैं उनको फ़ायदा ही होता है। अब पाकिस्तान में ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पर हम जो है कुछ भी सपोज़ हमारे हम लोग कारोबार करें कुछ भी करें तो वो इतनी बचत तो उस तरह से भी नहीं हो पाती है जितनी वहाँ। आई थिंक सो इतनी महंगाई नहीं है कि वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो डेवलप में बहुत आगे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे हैं, मोबाइल्स जैसे एक है इनका बेस्ट, इनकी मेडिसिन भी काफ़ी हद तक आगे जा चुकी हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी कॉस्मेटिक्स भी है। मैं भी ये गर्ल बोलती हूँ कि इनकी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी होती है, इनकी फैन लवली हो गई, इनकी मेहंदी, इनकी ज्वेलरी, और ये सारा कुछ जब पाकिस्तान के साथ इनका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये कस्टम चलता था तो बहुत ज़बरदस्त यह भी हम चीज़ें लेते थे। अब ये कि कुछ ना कुछ ताल्लुकात की वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं बीच में, तो बिज़नेस इतना नहीं होता, तो उन चीज़ों के लिए हम भी, बट मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हद तक सस्ते भी हैं। तो मतलब यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा साथ देती है, महंगाई कम होती है तो आवाम जो बिज़नेस करती है उससे बचत भी करती है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अभी आपने इतनी सारी प्रोडक्ट्स के नाम लिए मेरे सामने, क्या उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी चीज़ों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ रही हैं और वो इतना ग्रो करें और वो इस वक्त रिच हैं, क्या ये वजह उनकी? क्वालिटीज़ वाकई अच्छी हैं, ये बात तो है मानने वाली कि पाकिस्तान में भी बहुत, बींग ए पाकिस्तानी मैं बुराई तो नहीं करूँगी, हमारी पाकिस्तानी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बट ये है कि वो उससे वो बहुत ज़्यादा ब्रांड में और बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, और कुछ चीज़ें ढूंढने से मिल भी जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ जो है ना कि क्वालिटीज़ उनकी ज्वेलरी की भी अच्छी हैं, उनके ख़ास तौर पर मुझे तो कॉस्मेटिक्स का आइडिया है, और मेडिसिन भी उनकी बहुत अच्छी है, बट ये है कि कॉस्मेटिक्स तो उनकी वाकई नॉट आउट। उनकी फेयर एंड लवली हो गया, मैंने एक बार यूज़ की थी 2-3 बार तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर भी उनका जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ हर बच्चा इंग्लिश भी बोलता है। आपकी मुल्क तो तभी ग्रो करता है ना जब आपका एजुकेशन सेक्टर आपका मजबूत हो, आपकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ पंजाब साइड का ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, और बाकी सबको पता है ये बात। बाकी ये है कि इसके अलावा इंडिया का तो नॉट आउट, हर बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ, तो फिर ये कि एजुकेशन लेवल जो है एजुकेशनल लेवल पे अगर हमारी कंट्री ग्रो करे ना तो खुद ब खुद आई थिंक ये चीज़ होती है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें। हमजा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ज़्यादा रिच कंट्री है या फिर इंडिया? Obviously India, being a resident of Pakistan, I would say India. Reason? You can compare their literacy rate with the Pakistan, and the most of the students or the you can say
all our Indians being spread over in the world. Mashallah, they are educated and you can say they are like you top notch companies pure world ki, Google, Microsoft, unke CEO this time Indians hain. Why? Because of the education. So that's why obviously I would say Indians. अच्छा तो क्या डिफरेंस है उनकी एजुकेशन और हमारी एजुकेशन में? हमारी एजुकेशन में ये है कि हमारी जो कॉम है ना वो बेसिकली मी बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, हम अभी यहाँ पे जो हमारे बैगर्स या मांगने वाले भर रहे होते हैं, हम उनसे अक्सर कहते हैं कि यार आपको हम पढ़ाते हैं आप पढ़ो, बट वो इस तरफ आना नहीं चाहते. तो हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने ग्रास रूट लेवल से ही अपनी यूथ को ये नहीं समझाया कि एजुकेशन में ही आपका फ्यूचर है. वो लोग कहते हैं अभी बच्चा पैदा नहीं होता और वो पहली बिजनेसेस में या अपने साथ चौक चौराहों में माँ वालदे लेके चले जाते हैं. तो ये हमें ग्रास रूट लेवल से देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि हमें इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. अच्छा अभी आपने कहा कि एजुकेशन, आपको नहीं लगता कि सिर्फ एजुकेशन का हासिल करना ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्किंग होना भी ज़रूरी है? नो डाउट, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है. अब आप देख लें बहुत एग्जाम्पल्स हैं इन फ्रंट ऑफ यू के जो लोग अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, और आई वुड यहाँ पे एग्जांपल लूँगा पाकिस्तानी आज़ाद चाय वाला, ठीक है, और भी मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान में आप यू कैन से के दे आर नॉट एजुकेटेड और माशाल्लाह दे हैव सच स्टार्टअप्स के वो उन्होंने कई लोगों को आगे स्टार्टअप स्टार्ट करवा दिए हैं. तो हार्ड वर्क तो हर चीज़ में ज़रूरी है. वो कहते हैं कि ना कि हार्ड वर्क के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो देर इज़ नॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है. अच्छा यानी कि इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग भी हैं और एजुकेटेड भी हैं. एग्जैक्टली. अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जिस तेज़ी से इंडिया की, मतलब इंडिया की एजुकेशन तो हमसे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और जिस तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी जा रही है, एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हम तो उनके मुकाबले में कुछ है नहीं, क्या इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर देगा? चाइना इज़ अ वेरी बिगेस्ट मार्केट. चाइना में एक्चुअली उनके जो घर के प्रावधान हैं उन्होंने घरों में भी छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं. अब पाकिस्तान में हम कहते हैं नहीं समटाइम कि सिर्फ इंसान ही चाइना का नहीं होना रह गया, बाकी तो हर चीज़ चाइनीज़ है. इवन द माइक यू आर यूजिंग, इवन द बॉटल आई एम कैप्चरिंग इसका प्लास्टिक, द फोन, फिर जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन से कि वी आर लाइक बोरिंग फ्रॉम चाइना. तो चाइना की मार्केट ये है कि उन्होंने इन डेप्थ जाकर वेरी ग्रास रूट लेवल से हर बंदे को इन इंडस्ट्री में इसको एंटर कर दिया है. तो इफ कमिंग टू द आप पर्सपेक्टिव के पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम हर डराम कॉम है बेसिकली थोड़ी सी, ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल भी रही होती है तो हम वो भी ज़ाया कर देते हैं कि ये नहीं यार देखी जाएगी, वी विल सी. तो हम थोड़ी मूडी कॉम है. हाँ, एज़ कम्पेयर टू कि आपका क्वेश्चन था कि उसको अगर आप काइंडली रिपीट कर दें ज़रा. जिस तेज़ी से इकोनॉमी उनकी बूस्ट अप हो रही है, जिस तेज़ी से वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं, ओवरकम करेगा चाइना को. हाँ, वी कैन सी नेक्स्ट कमिंग लाइक 20 ईयर्स के वी कैन सी के वो ऑब्वियसली दे कैन, दे हैव द कैपेबिलिटी बीइंग अ पाकिस्तानी. मैं तो ये कहने में कोई शर्म है क्योंकि पहले वो लोग भी इम्पोर्ट करते थे चाइना से चीज़ें, लेकिन अब उनकी जो दिवाली गुजरी है उन्होंने तब भी चाइना से कोई माल इम्पोर्ट नहीं किया, उनकी हर चीज़ की मैनुफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के प्रोसेस से खुद हो रही है. तो दे आर ट्राइंग टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं वो अपने आप पे, ठीक है, अपने जो चीज़ है उस पर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, आपको बेयर करनी पड़ती है, बट ये कि इन द लॉन्गर रन अगर आप परस्पेक्टिव देखें, वी डोंट नो व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड. हाँ, हम वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years कि हम अपने आप को स्टैंड करना चाह रहे हैं कि हम 10 years के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं. तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू से कि obviously they can overcome China in next 10 to 20 years. तो क्या लगता है India ज़्यादा rich country है या पाकिस्तान? India, exactly. Reason इसकी ये है कि उसकी last जो 2 decades हैं उसमें वो हमसे कहीं आगे निकल गया है. उसके जो financials हैं वो सारे हमें बताते हैं कि वो हमसे बहुत आगे निकल गया है. उसकी जो क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जो IT इंडस्ट्री है और दूसरे सेक्टर्स में काफ़ी उसने ग्रोथ करी है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान से वो कहीं आगे निकल गया है. अच्छा, इतनी जो ग्रोथ आप बता रहे हैं कि बहुत से सेक्टर्स में उन्होंने ग्रोथ शो की है, तो इसके पीछे की क्या रीजंस है? क्या उनका एजुकेशन सेक्टर हमसे ज़्यादा अच्छा है या क्या रीजंस लगती हैं आपको? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, मतलब आराम से टाइम पूरा करती है, तो दूसरी गवर्नमेंट को टाइम पूरा मिलता है. दूसरा, एजुकेशन भी वहाँ पर बेहतर है यहाँ से, ठीक है. तो ये दो बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर रहा है. अच्छा, मुझे ये पता है वहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उनके अपने बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
नहीं, वो डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो वहाँ पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती है बाहर के इन्वेस्टर्स को। पहले हालांकि उनकी जो हमने सुना था कि जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि किसी भी जो बाहर का इन्वेस्टर था उसको नहीं आने देते थे वो, तो अब उन्होंने पीछे जो जब से ये मोदी या गवर्नमेंट आई है, उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बाहर के इन्वेस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत फैसिलिटेट किया, तो वहाँ पे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, वो वहाँ के लोग भी बहुत, वैसे भी वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई हैं उनकी, जो बड़ी बड़ी जैसे आदित्य बिरला है, टाटा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, तो जिसकी वजह से फिर उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिस का बिज़नेस है, वो बहुत दुनिया के अंदर मतलब जो है उनका नंबर है, तो जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हमसे ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर हमारे आपस में जो पॉलिटिशियंस हैं आपस में लड़ते रहते हैं, कोई जो एक दूसरे के लिए जो कहते हैं टांगे खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक इंडिया। रीजन बताएं। मेरे ख्याल में जी देखे ना, उनकी करेंसी जो है पाकिस्तान की नस्बत डबल रेट पे, पाकिस्तान का 1 रुपया बगल उनका 2 रुपये बनते हैं, तो ये है कि उनकी करेंसी हमारे मुल्क की करेंसी से डबल है, इस वजह से। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी करेंसी हमसे डबल है, वो हमसे आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा रिच हैं? असल में उनकी कुछ पॉलिसी जो है ना कारोबार के हिसाब से अच्छी हैं, कि मसलन कि उन्होंने अब चाइना को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने दिया, वो जो भी चीज़ फैक्ट्री बना रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो उनकी मुश्किल है कि मिसाल हमारे मुल्क में चीज़ बने, इम्पोर्ट पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं इम्पोर्ट कम से कम हो, तो आई थिंक इस वजह से उनके बेहतर है इकॉनमी। यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर जो है उनके मुल्क का अपना है, वो हर चीज़ खुद बना रहे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा रिच हैं। और आपको नहीं लगता कि इसमें एजुकेशन का भी थोड़ा अमल दखल आ जाता है, क्योंकि जब तक एजुकेशन का सेक्टर सही नहीं होता तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब चीज़ देखिए, कोई भी बिजनेस है, कारखाना है, इंडस्ट्री है, कुछ भी चलना, वो तो आपको इलम होगा, नॉलेज होगा, तो फिर ही आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं ना, वो तो फर्स्ट है ना, कि एजुकेशन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। अच्छा, वो लोग रिच हैं, इसके पीछे आपने कहा है कि जो एजुकेशन का भी फैक्टर है, और उनके मुल्क में बहुत से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं उनके मुल्क में, तो इसके पीछे की क्या रीजंस है, क्या आप इस चीज़ का क्रेडिट उनके गवर्नमेंट को देंगे, क्या कहेंगे आप? उनकी ये है कि कुछ जो पॉलिसी है ना वो बेहतर है, हमारे मुल्क में जनाब ये है कि जो भी है ना अमीर बंदा उसको कहता है बस इसको पकड़ लो, दकड़ लो, इसे टैक्स खींचो, किसी ना किसी तरह से पैसे खींचो, वो लोग जो हैं वो रिलीफ दे रहे हैं बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री को, कारखाने को, कि यार काम करे, काम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। मसलन यहाँ पे जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स भर रहा है, और वो लोग हैं मिसाल है जो आउट ऑफ कंट्री कितने को भी देख लें, जितनी बिजली ज़्यादा यूज़ करता है उसको उतना ही रिलीफ देते हैं, कि यार ये ज़्यादा इकोनॉमिक चला रहा है, हमारी कारखाना चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो ये चीज़ें हैं कि वो ग्रोथ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे वो जनाब कहते हैं किसी भी सरमाएदार है बिजनेस में से बस खींचना कैसे है पैसा टैक्स की सूरत में, किसी भी सूरत में, तो ये चीज़ें हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं, गवर्नमेंट उनकी अच्छा काम कर रही है, और साथ ही साथ वहाँ पर चीप प्राइजेस भी हैं? बिल्कुल इसी तरह। अगर बात की जाए तो हुकूमत की डेफिनेटली उनका बजट हमसे बहुत ज़्यादा है, अगर अवाम की बात की जाए तो हर चौथा गरीब इंडियन है। अच्छा, आपने कहा है कि उनका बजट बहुत हैवी है, फिर भी उनकी अवाम गरीब है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस वजह से पॉसिबल है, उनकी अवाम बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और आबादी और इसके साथ साथ रकबा उनका बहुत ज़्यादा है, फिर उनका जो डेवलप्ड शहर है उनसे उनका ताल्लुक ना होना है, ठीक है, यानी उन तक तलीम का ना पहुँचना, फिर एक उन तक कभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची, ऐसे भी कई कई देहात हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में मेरी नज़र में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। अच्छा, आपने कहा है कि हमारी आवाम अमीर है, आपको कहां से हमारी आवाम अमीर लगती है, मुझे ये बता दें आप। हमारी आवाम मुझे इस वजह से अमीर लगती है क्योंकि हम दुनिया के चंद ममालिक में से एक हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डोनेशन यानी ज़कात वगैरह खैरात की जाती है, ठीक है, और इससे ये साबित होता है कि हमारी आवाम के पास पैसा तो है लेकिन वो टैक्स नहीं पे करती, हमें अपनी आवाम को टैक्स पे करने के लिए तरफ लाना चाहिए। लेकिन हम तो बहुत टैक्स पे करते हैं, इवन हमारी तो हर चीज़ पे टैक्स, आप कैसे कह सकते हैं हम टैक्स नहीं पे करते? टैक्स भी कोई कैटेगरीज होती हैं, कोई डायरेक्ट होता है, कोई इनडायरेक्ट होता है, हम चीज़ बाय करते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, हमारी आमदनी, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमें डिजिटलाइज नहीं हुए, हमारे जितने भी है वो कैश चलता है, जब हम डिजिटलाइज होंगे फिर हमें पता चलेगा फलां क्रेडिट से, फलां डेबिट कार्ड से हमने इतनी पेमेंट इसके लिए की है, फिर वो डायरेक्ट टैक्स जो उसकी यानी उसकी आमदनी पर जो टैक्स होगा वो मेरी नज़र में टैक्स पे तब तक। अच्छा, हम तो रोज़ ब रोज़ ही कोई नए से नया प्रोजेक्ट सुनते हैं इंडिया का कि ये लॉन्च हो रहा है, हर बढ़ते दिन के साथ एक नई खबर आई होती है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग अभी उस लिहाज से अमीर नहीं हैं?
मैंने आपसे ये कहा कि वहाँ के जो डेवलप्ड शहर हैं वो बहुत डेवलप हैं। अगर हमारे भी आए तो रोज़ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे कि एक अगर इस मुल्क को आप गरीब तसव्वुर करती तो हम लोग रोजाना ओनलाइन ट्रेन वेली चलाते हैं यहाँ पे। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। सो गाइज, वो जो लड़का था पता नहीं क्या ही खा पी के आए थे। वो बोलते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, इंडिया में सिर्फ 6% पॉवर्टी रेट है एंड वही 39% पॉवर्टी रेट है आपके यहाँ पाकिस्तान में। तो आप पहले अपने देश को देख ले फिर ही आए इंडिया के बारे में बोलने के लिए। इंडिया इज रिच इन एवरीथिंग, बी इट इन वेल्थ, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड माइंडसेट हो गया, चाहे वो स्पेस हो गया, एंड एवरीथिंग, हर ही चीज में इंडिया रिच है। मतलब बात ये हो जाती है ना, मेंटालिटी आप सबकी कैसी है। आप अपने देश को महान बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्द ही लगता है पाकिस्तान भी गुलामी करेगा चाइना का। हर चीज तो उधार की ले रखे है। कुछ तो अपनी है नहीं। बड़े आए कंपैरिजन करने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ना ना ना। कंपैरिजन के लायक ही नहीं है। आप सबको तो पता ही है कौन रिच है, बताने की जरूरत है ही नहीं इसमें तो। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक दे दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही बगल में पार हो रहा है तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। साथ ही इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो जरूर से जाके उस वीडियो को भी देख ले। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।